अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके? बहुत दिन हो गए थे कि मैं लाइव नहीं आया था फेसबुक पे। आई हैव बीन कमिंग लाइव एट इंस्टाग्राम फॉर पास्ट मैनी 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 मंथ्स। टुडे आई थॉट ऑफ कमिंग लाइव एट फेसबुक विद अ वेरी 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 डियर, वेरी सीनियर, वेरी सीजन्ड एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस, बिकॉज द सीरियल आई लव्ड द मोस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इज अनकही, अनडाउटली। एंड अनकही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था विच वॉज सना मुराद्स यानी शहनाज शेख्स मदर, विच वॉज प्लेड बाई नन अदर देन अजरा मंसूर। अजरा आपा हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क इन अ प्रोजेक्ट वेयर शी इज़ प्लेइंग माई दादो, एंड द प्रोजेक्ट्स नेम इज कुन फयाकुन, विच विल बी एयर्ड वेरी सून ऑन हम टेलीविजन नेटवर्क। आई एम डूइंग अ वेरी रॉन्ग थिंग राइट नाउ, आई एम ड्राइविंग एंड आई एम लाइव एट फेसबुक। यूजली एक सेकेंड मैं आपसे बता जी, आप बता रहे हैं? ओके, यूजली ऐसा होता था कि आई हैड अ स्मॉल एक होल्डर जिस पे मैं फ़ोन पे लगा के फ़ोन को उस पे लगा के बात कर रहा था, लेकिन अभी भी मैं बहुत सेफ वैसे ड्राइव कर रहा हूँ बिकॉज माई हैंड इज़ नॉट बिजी, माई वन हैंड इज़ ऑन द स्टेयरिंग एंड since it's an automatic car, so I can manage to drive without even using my other hand. Itni explanation di, Allah maafi. So guys, main aapse Azra Mansoor aapa ki baat bhi karwata hu. Aapa ji, is waqt 351 people are watching us live. Hi people. Hi Pakistan. I love you all and I am so happy that I'm working with this wonderful one. बहुत मुझे खुशी है एंड आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिम ऑल्सो। जो भी कह रहा है माशाल्लाह इज सच अ नाइस पर्सन। और हम दोनों की एक इक्वेशन भी बड़ी मज़ेदार एक रेपो बन गई है और बहुत एक शरीर सा पोता एंड लविंग दादो। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट अ लिटिल बिट मोर। ओके, कुन फयाकुन कुरानी एक कुरान का एक आयत है। इसका मानी होता है कि अल्लाह जब कुन कहता है तब हो जाता है, और जब वो उसे कहने का वक्त होता है तभी होता है, और जब वो चाहता है तो बस तब होता है। इंसान कुछ भी करता रहे उसकी मर्ज़ी के आगे उसका कोई अमल दखल नहीं होता, और जो उसकी होने का वक्त होता है वो तभी होता है। सो उसकी मसलहत के आगे हम सब बिल्कुल बेबस हैं। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन विच we had to cast a girl who should be very young, very beautiful, very energetic, and yet innocent. Because the kind of shikwa, jis tarah hum bande Allah se, jiska hamara koi banta nahi hai, lekin kyunki hum bande hain aur khata ke putle hain, isliye Allah se hum kabhi kabhi shikwa karte hain ki aisa kyun karta hai, aisa karta hai, jaise hum apne maa se, apne bade se karte hain. To wo koi ek samajhdar aadmi kare to बुरा लगता है, लेकिन जब कोई ना समझ इंसान करता है तो उसकी ना समझी उसकी कम उम्र की वजह से जस्टिफाइड होती है। तो वी हैड टू कास्ट समवन हु इज़ वेरी यंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एनर्जेटिक येट वेरी इनोसेंट, एंड वी फाउंड दैट कैरेक्टर इन एन अपकमिंग वेरी प्रॉमिसिंग नॉट अपकमिंग सॉरी वेरी प्रॉमिसिंग स्टार ऑफ टुमारो। द नेम इज़ अलीज़े शाह, शी इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी पावरफुल कैरेक्टर। क्या नाम है कैरेक्टर का? मशल। मशल एंड मशल मेरी भी नहीं, मेरी अजरा आप उसकी भी दादी हैं और मशल की भी दादी। दिस समथिंग आई वांट टू से, बीच में तुम्हारी बात रोक के, आई नॉर्मली डोंट लुक लाइक दिस। या शी इज डेफिनेटली, दिस इज माय गेटअप फॉर शी इज। या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विद दिस वाइटनर एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। इट्स रियली, मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ, और यू आर ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। यस, इट्स एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट। आई एम टेलिंग यू द स्टोरी लाइन इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो जो भी देखेंगे इंशाल्लाह एवरीबॉडी इज गोइंग टू लाइक इट बिकॉज़ वी डेफिनेटली लाइक इट। ओके,
One of the reasons of doing this character, of this project, for me was, of course, the cast, the storyline. And I'm coming back on Hum Television after a gap of 4 years, which is huge. Not because of the fact that I didn't like the project they've been offering me in the middle, but yet I was busy doing other stuff, right, left and center, here and there. लेकिन एक और वजह जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग एनी प्रोजेक्ट इन माय होम टाउन. या देयर वाज अनदर प्रोजेक्ट सामली व्हिच आई डिड लॉन्ग टाइम बैक, बट इस्लामाबाद में एक मेजर प्रोजेक्ट में बहुत अरसे बाद, शायद पहली दफा कर रहा हूँ, और बड़ा मजा आ रहा है. कैसा लगा आपको आप इस्लामाबाद? आपका तो यू हैव अ हिस्ट्री. There was a time when I really, really did not like Islamabad. And I kept saying, oh, no, I don't want to go to Islamabad. But now, really, I've fallen in love with this city. It's so beautiful. Itna green, lush, bilkul. And the climate and everything is wow. So, main bahut khush hu. And kabhi kabhi main kehti hu ki ho sakta main Islamabad mein ho jaun. Oh, bhai, bada lucky Islamabad. Acha, main jab bhi koi project karta hu, उसमें मैं चुन लेता हूँ कि ये एक एक्टर है जिसको मैं पिक एंड ड्रॉप करूँगा. किसी भी एक एक्टर से मेरी क्लिक, मेरा एक जाना वो वेवलेंथ मिल जाती है. और जब मेरा ड्राइवर साथ नहीं होता तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मैं उस एक्टर को कहूँ कि भाई मैं आपको ड्रॉप कर दूँ. तो पिछले वाले प्रोजेक्ट में मरीना मेरे साथ होती थी और सजल होती थी नूरलैन में, और उसके क्योंकि हम लाहौर में वो कर रहे थे. बाकी जो कराची में होते हैं वो तो फिर मैं पीसी में ठहरता हूँ, तो बाकी एक्टर्स अपने अपने घरों को चले जाते हैं. आज इस दफ़ा मैंने चुना अज़रा आपा को, और अब मेरे घर के पास इनका घर है जहाँ ये ठहरी हुई है, और मैं इनको रास्ते में जो है इनको पकड़ लेता हूँ, फिर इनसे बातें अपनी ज़्यादा सुनाता हूँ, इनकी कम सुनता हूँ. Yes, I am. अच्छा, अच्छे कान होना बहुत जरूरी होते हैं, खुद खुश समात होना. एंड आपा सिंग्स वेरी ब्यूटीफुल, व्हिच यूजुअली पीपल आई थिंक डोंट नो, बट दिस ट्रेड ऑफ अ पर्सनालिटी वी एक्सप्लोर्ड लेटली रिसेंटली व्हेन वी प्लेड सम वेरी ब्यूटीफुल नंबर्स, पुराने अच्छे खूबसूरत गाने, लाइक बहुत ही रेयर हैं वो. हमारी जो मशल हैं वो तो हमारी आज की बच्ची हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये गाने गाए. हमारे वक्तों के हैं, तुम्हारे वक्त के भी नहीं है, वो तो मेरे वक्त के हैं. आपके भी नहीं है वैसे वो, लेकिन ये कि उन गानों में जो चाशनी और जो मजा होता है वो डेफिनेटली वो आपके गानों में बहुत मुश्किल से मिलता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर एवरग्रीन एंड सो टाइमलेस. लेकिन मैं ये बता दूं कि मुझे भी ये नहीं पता था कि ये हजरत भी इतना अच्छा गाते हैं. तो कल या परसों तो मैं पूरे रास्ते इसके गाने सुनती हुई गई और मुझे बड़ा अच्छा लगा. आप जी हो जाए कुछ अच्छा सा गाते हैं, हो जाए कुछ अच्छा सा. तुम सुनाओ. हाँ, मैं ऐसे करता हूँ, मेरे गाने का मूड था ना, मैं दूसरे को कहता हूँ ताकि फिर वो मुझे कहे और फिर मैं सोचूं अच्छा चले, और सब तक मैं गला साफ कर चुका होता हूँ. इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा के मैं एक बादल ला बारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा. इसीलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा. ना 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 है नाम मेरा जल की धारा. मोनील गगन के दीवाने तू प्यार ना मेरा पहचाने. मोनील गगन के परवाने तू प्यार ना मेरा पहचाने. तेरा साथ वहां तक दूंगी मैं जब तक न कहे तू मैं हारा. इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा. कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा. ऐसे आपको जो है ना रेयर गाने सुनने को मिलेंगे अगर हमारी गाड़ी में एक दफा बैठे तो सही.
तब आपको पता चलेगा कि गायक कलाकार मजूस लता मंगेशकर मजूस सुल्तानपुरी के मगर ये बात है इस वक्त ये सारे हमारे साथ ही तो हैं साथ तो हैं और जब आप ये सीरियल देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा बड़ा मजा आएगा आए एक कुत्ता मरा पड़ा है रास्ते में बहरहाल जी हमारे साथ हैं अब्बास अली आई लव यू भाई आई लव यू टू ब्रदर आसिफ अली इमरान भाई प्लीज सेंड योर व्हाट्सएप नंबर ओके लिखिए लिखिए मतलब आपको लगता है कि मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ दे दूंगा नहीं नहीं आप लिखिए मैं बता देती हूँ अभी अभी इंस्टाग्राम पे था तो किसी ने वहाँ किया मैसेज किसी कॉमेंट के किस पोस्ट के अंदर कॉमेंट किया कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है प्लीज अगर आप मुझसे दोस्ती कर लें तो मेरा पत्रिका मैंने कहा बेटा ये नंबर लिखो वेमन पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद का आपको ऐसी दोस्तें मिलेंगी और आपको ऐसा ट्रीट करेंगी कि मजा आ जाएगा आपको तो भैया ऐसे नहीं होता नंबर नहीं देते थे इस तरह कोई आपको कभी किसी तरह अपना नंबर नहीं देगा आस्क फॉर समथिंग प्रैक्टिकल पॉसिबल एंड व्हाटएवर शायद ऑन दिस ओकेजन शमस खान ने दिल दिए निकल के अरे खरगोश का ओ अरे पत्तियां ओ फलमिया सैयद वसी ने क्या ये क्या किया ओ माय गॉड सीटियां भी बज रही हैं सीटियां जारा खान गुज्जर बदमा गुज्जर बादशाह बदमाश आज हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं ईमान अली उनकी शादी है ईमान अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो ऑल्दो यू मस्ट हैव नॉट बीन लाइक ऑन क्या फेसबुक अभी आप रस्मों में बिजी होंगी आई वाज सपोज टू बी देयर विद यू बट आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर बीइंग एब्सेंट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ विद योर न्यू पार्टनर विद lots of happiness and contentment and prosperity and bahut bahut mubarak ho aapko bahut bahut mubarak ho yet main bhi shayad aapke bhai ki shaadi aapko bahut bahut mubarak ho jo ki 26 ko and there is this new term shendi you know shendi I know it's a strange matlab I want to know ye shaadi aur mehndi yes I know to fir maadi bhi ho sakta tha na but I think ek lihaz se acha hi hai na ha ye cost effective aur लेकिन नहीं कहता हूँ कि खर्चा कम से कम खर्चा कम चीजों का अपना हाँ फन तो मजा हाँ मजा तो मत खर्च करो ना ज्यादा कम खर्चा करो और एंजॉय ज्यादा करो हाँ ये भी तो हो सकता है एंजॉयमेंट का पैसे कोई ताल्लुक वैसे तुम कब शादी कर रहे हो ओके गाइस बस आप किस्मत के खेल हैं अरे मेरा बच्चा दूल्हा बनते हैं हाय नसीबों गाना था दुल्हन बनती है नसीबों वालियाँ तो वैसे बड़े लकी होते हैं वो लोग जो दूल्हा बनते हैं लेकिन जो नहीं होते वो भी बाजरा बड़े लकी होते हैं सो ये वो वाला लड्डू है जो खाए तो पछताए ना खाए तो पछताए जी हाँ तो मैं अभी तक तो ना खा के जो है बड़ा ना खा के काफी खुश हूँ तो ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपा का घर आने वाला है और मेरा घर भी दिस इज लेट मी स्विच द कैमरा and show you the location where we are heading to. This is Magla Road, Islamabad. Very beautiful, like one of the most beautiful roads of Islamabad. Yeah, it is. It starts from F6 and ends on अच्छा चले जी ओके खुदा हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा